प्रयागराज के धूमनगंज में बीती शुक्रवार को हुए उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या में शामिल कार चालक अरबाज को पुलिस ने मार गिराया। जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ अरबाज की धूमनगंज इलाके में नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ हुई। ठीक। उमेश पाल पर हमला करने के बाद अरबाज का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आया था। तहकीकात की गई तो पता चला कि पुरा मुफ्ती के सलापुर निवासी अरबाज नाम का शातिर अपराधी कार चला रहा था। उसने भी पुलिस टीम पर हमला किया था। हमलावरों की तलाश में पुलिस लगी थी। हमलावर के बारे में क्राइम ब्रांच को पता चला कि वह नीवा क्षेत्र में छिपा है। नेहरू पार्क पर क्राइम ब्रांच की उससे मुठभेड़ हो गई। उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया। पुलिस ने भी उसे गोली मारी जो उसके सीने और पैर में जा लगी। धूमनगंज पुलिस ने घायल अरबाज को इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेजा जहां उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अरबाज सनफ अफाक निवासी सल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज, जिनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था 50,000 रुपये का, ये आज दिनांक 27 फरवरी 2023 को, आज जब सूचना मिली कि कुछ संदिग्धों का मूवमेंट है नेहरू पार्क क्षेत्र में थाना धूमनगंज में, तो इस सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम्स वहां पहुंची हैं, तो पुलिस की टीम्स पहुंचने पर इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, और इस कार्रवाई में जब ये इधर उधर निकलने का प्रयास कर रहे थे और फिर पुलिस की टीम्स ने पीछा किया और जवाबी कार्रवाई उधर से इनके द्वारा वो किया गया, तब इनको इंजरी आई और उसके बाद में इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में ये SRN में जाकर इनको मृत घोषित किया गया। इसमें जो टीम पुलिस की सम्मिलित थी उसमें SOG प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव, SHO धूमनगंज श्री राजेश मौर्या, श्री राजेश उपाध्याय जो सर्विलांस प्रभारी हैं, और मनोज कुमार SO शंकरगढ़, ये सब और इनकी टीम के सदस्य इस पुलिस के क्रैकडाउन, इस पुलिस की कार्रवाई में सम्मिलित थे। इसमें SHO धूमनगंज श्री राजेश कुमार मौर्या को बाह में चोट आई है इस कार्रवाई के दौरान, और SRN में वो अभी उनका उपचार चल रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार ने सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। इसी क्रम में सोमवार को धूमनगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में अरबाज मारा गया। उसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। जांच में पता चला कि वारदात के वक्त अरबाज कार चला रहा था। उसने भी फायरिंग की थी। पुलिस अब इस केस से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश में है। दिनांक 24 फरवरी 2023 के सायंकाल उमेश पाल, जो कि 2005 के राजू पाल विधायक हत्याकांड का गवाह थे, उनकी बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। इस हत्याकांड में पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पर सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के का आश्वासन भी दिया गया था, तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे। इसी क्रम में आज
प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र अफा, जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे, जो कि गलत व्यक्ति है, तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। अगर आवश्यक है तो मुख्यालय स्तर से भी इस पर इनाम घोषित किया जाएगा और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।